लास्ट क्लास में अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 14A, इलस्ट्रेशन नंबर 14A कर रहे थे, पेज नंबर 9.30 पे। इसका अपन ने 8 अप्रैल तक कर लिया था। नाउ 10 अप्रैल, रिसीव अ चेक फ्रॉम जेड ₹2000। हमने जेड से चेक रिसीव करा, कितने का चेक रिसीव करा जेड से हमने? ₹2000 का चेक रिसीव करा जेड से। तो चेक रिसीव तो हो गया, बट ये सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है। यानी ये चेक रिसीव तो हो गया, बट इट इज नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन सेम डे। तब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, फर्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? नो, बैंक अकाउंट नहीं होगा। दिस चेक इज नॉट डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे। सिंपल लिखा है चेक रिसीव अ चेक फ्रॉम जेड। यस, एक तो जेड अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? जेड अकाउंट और चेक इज नॉट डिपॉजिट इन द सेम डे। यस, एक तो आपका चेक इन हैंड अकाउंट इफेक्ट होगा, बिकॉज चेक इज नॉट डिपॉजिट इन द बैंक ऑन इन सेम डे। तो एक तो चेक इन हैंड अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका जेड अकाउंट। तो दिस चेक इन हैंड इज अवर असेट एंड ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर। तो ये तो रियल अकाउंट हो गया। जेड इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। जेड आपका कौन सा नेचर है? पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में चेक के नाम का एक असेट आ रहा है, तो रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। जेड क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जेड दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। तो डेट कौन सी है आपकी? डेट है 10th अप्रैल। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 2000। नरेशन आ जाएगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम जेड, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम जेड। तो चेक रिसीव हो गया, बट इट इज नॉट डिपॉजिट इन टू द बैंक ऑन सेम डे। नेक्स्ट इज 12th अप्रैल, चेक रिसीव फ्रॉम जेड डिपॉजिट इन टू बैंक। क्या कह रहा है 12th अप्रैल को क्या हुआ? कि जो चेक हमें रिसीव हुआ था, चेक रिसीव फ्रॉम जेड इज डिपॉजिट इन टू बैंक ऑन 12th अप्रैल। तो 10th अप्रैल को ये जो चेक अपन को मिला था, किससे? जेड से। इसको हम 12th अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे 12th अप्रैल को, व्हेन दिस चेक इज डिपॉजिट इनटू बैंक? यस, एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो आपका बैंक अकाउंट हो गया, सेकेंड, यस सेकेंड अकाउंट इफेक्ट होगा चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। सो बैंक इज अ, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? What is the nature of bank account? Yes, it is a personal account in nature. It is a personal account in nature. And rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. So bank is the receiver of the check. Bank क्या कर रहा है? आपसे check receive कर रहा है. तो debit the receiver. तो bank account हो जाएगा debit. Check in hand ये आपका asset है. Check in hand is our asset. तो ये आपका real account nature का हो गया. रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से क्या ये चेक जा रहा है, तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। कौन सी डेट है? डेट है आपकी 12th अप्रैल। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? चेक कितने का था? 2000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 2000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 2000। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। ये जो वाई से अपन को चेक रिसीव हुआ था 8th अप्रैल को,
ये जो 8 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ था वाई से, ये क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। ये चेक क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। तो अपन ने 8 अप्रैल को वाई से चेक रिसीव करा था 7850 का, हमने उसको 150 का क्या दिया था? डिस्काउंट भी दिया था, लेकिन अब ये चेक तो डिसऑनर्ड हो चुका है, तो ये जो डिस्काउंट है अब ये भी उससे अपन क्या करेंगे, वापस रिटर्न बैक कर लेंगे। तो डेट कौन सी है आपकी? 15 अप्रैल। क्या एंट्री होगी? वाई से दोबारा पैसे मांगेंगे तो वाई को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, तो वाई अकाउंट डेबिट कितने लेंगे? पूरे 8000 लेंगे, पूरे 8000। जब अपन ने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, तो जब बैंक अकाउंट डेबिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट करा कितने से? 7850 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया तो आपने अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लिया, तो आपका बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, जबकि एक्चुअल में ये चेक क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। एक्चुअल में आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन बुक्स में हो रखा है, तो इसको कम करने के लिए बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट 7850, और ये जो डिस्काउंट हमने दिया था ये भी हम कस्टमर से वापस ले लेंगे, तो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना? 150। समझ में आ गई बात कि जो चेक अपन को रिसीव हुआ था ऑन 8 अप्रैल, ये चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया, तो हमने एंट्री क्या कर दी? वाई अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट 7850 एंड टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 150। नेक्स्ट है आपका कैश सेल 15000 आउट ऑफ दिस 12000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश सेल करी 15000 की, आउट ऑफ 15000 12000 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें से 12000 अपन ने बैंक में डिपॉजिट करा दिए। तो एंड कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? 15000 की सेल है, आउट ऑफ 12000 इज डिपॉजिट इनटू बैंक, यह सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। 15 में से 12 बैंक में जा रहे हैं, बाकी का 3 ऑफिस में आ रहा है, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? नेक्स्ट वन, यस, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और बैंक के बाद और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश हो गया, बैंक हो गया, और यस, और अकाउंट इफेक्ट होगा आपका सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना कैश आ रहा है? 3000। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, और रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है बैंक? कैश। कितना कैश रिसीव कर रहा है बैंक? 12000 रुपीज का। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? यस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, सेल हमारी इनकम है, सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स कितना? 15000। तो यहाँ पे एंट्री होगी, डेट क्या है आपकी? 16 अप्रैल। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 3000, बैंक अकाउंट डेबिट 12000 टू सेल्स अकाउंट 15000, टू सेल्स अकाउंट 15000। एनी डाउट? नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। तो अजय हमारा लास्ट ईयर का क्रेडिटर था, अजय हमारा ये लास्ट ईयर का क्रेडिटर था, कितने का?
5,000 रुपीज़ का, जो हमारा लास्ट ईयर का क्रेडिटर था 5,000 रुपीज़ का, तो उसको हमने क्या करा, चेक चेक देकर उसका हमने पेमेंट कर दिया। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, अब अजय को हमें 5,000 रुपीज़ पे करने थे, तो अजय को 5,000 रुपीज़ का चेक देके उसका सेटलमेंट कर दिया। तो एक तो आपका अजय अकाउंट इफेक्ट होगा, अजय को आप चेक दे रहे हो तो अजय अकाउंट इफेक्ट होगा, और नेक्स्ट अजय अकाउंट और बैंक अकाउंट, नेक्स्ट आपका अकाउंट इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट। सो अजय इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अजय इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। कौन सी डेट है, 16 अप्रैल, एंट्री होगी अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का चेक था, 5,000 रुपीज का। तो अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, 5,000। डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड, ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड 50 रुपीज, एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750। हमने ओल्ड फर्नीचर सोल्ड करा कितने में, 750 में, और ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड करे हमने 50 रुपीज में। तो ये जो न्यूज पेपर वगैरह सेल करने से जो छोटी मोटी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम्स होती हैं, इसको अपन, इसके लिए अपन अकाउंट ओपन करते हैं मिसलेनियस इनकम अकाउंट। इसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है आपका, मिसलेनियस इनकम अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, राइट। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड करा 750 और फर्नीचर, ओल्ड न्यूज़पेपर 50 और फर्नीचर 750। यस, सबसे पहले एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट, या अपन ने ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड करा 50 रुपीज में, तो इसके लिए हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, मिसलेनियस इनकम अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मिसलेनियस इनकम अकाउंट। और अपन फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, हमने 750 रुपीज का फर्नीचर सेल करा, सेल्स अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। याद करिए क्या बताया था, सेल्स अकाउंट कब इफेक्ट होता है, व्हेन वी सेल द गुड्स, जब हम गुड्स सेल करते हैं देन ओनली सेल अकाउंट विल इफेक्ट। हम क्या सेल कर रहे हैं, फर्नीचर, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, फर्नीचर अकाउंट। सेल, सेल्स अकाउंट तभी इफेक्ट होता है जब हम क्या सेल करते हैं, गुड्स, देन ओनली योर सेल्स अकाउंट विल इफेक्ट। इसके सिवा और कोई भी चीज सेल करने पर सेल्स अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है, क्लियर। यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, यस इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर, एंड रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। मिसलेनियस इनकम, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिसलेनियस इनकम अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिसलेनियस इनकम अकाउंट,
जल्दी बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिसलेनियस इनकम? यस, वेरी गुड. इट इज आवर इनकम एंड ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो इट इज आवर इनकम, सो रूल इज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. फर्नीचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ फर्नीचर अकाउंट? यस, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर. रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अपन फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में से फर्नीचर जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो डेट इज 18 अप्रैल. एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपीज. न्यूज़पेपर को सेल करने से मिले 750 फर्नीचर को. तो कैश अकाउंट डेबिट 800. टू मिसलेनियस इनकम, टू मिसलेनियस इनकम मिसलेनियस इनकम अकाउंट कितना था 50 एंड टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट 750. नरेशन क्या आएगा? बीइंग ओल्ड फर्नीचर एंड न्यूज़पेपर सोल्ड. नेक्स्ट, जेड बिकम इनसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय अ चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. देखो जरा पिछला, हमें जेड से कितना अमाउंट लेना था? हमें जेड से लेना था कितना? 10,000 रुपीज लेना था. आउट ऑफ 10,000 उसने 2,000 रुपीज का चेक 10 अप्रैल को दे दिया था. आउट ऑफ 10,000 जेड गेव अ चेक ऑफ 2,000 ऑन 10th अप्रैल. तो यानी अब उससे कितना बैलेंस रह गया बाकी? 10,000 लास्ट ईयर के लेने थे किसे? जेड से. तो आउट ऑफ 10,000 उसने 2,000 रुपीज का चेक हमें 10th अप्रैल को दे दिया था. यानी जेड से और कितना लेना था? 8,000 रुपीज और लेने थे हमें किससे? जेड से. क्या लिखा है? जेड बिकम इनसॉल्वेंट. जेड क्या हुआ? इनसॉल्वेंट हो गया. एंड 40 पैसा इन अ रुपी. व्हाट इज मीन बाय 40 पैसा इन अ रुपी? आपको पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा. यानी 100 पैसे में से 100 पैसे में से 40 पैसा क्या हुआ? रिसीव हुआ है. और इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि जेड से जो भी अमाउंट लेना था उसमें से ओनली 40% अमाउंट ही हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ है. 100 पैसे में से 40 पैसे मिले. इट मींस जेड से जो भी अमाउंट हमें रिसीव करना था उसमें से ओनली 40% अमाउंट इज रिसीव. तो बाकी का जो रेस्ट आपका 60% है. अब क्योंकि जेड हमारा इनसॉल्वेंट हो चुका है तो जो रिमेनिंग 60% अमाउंट है वो अब आपको कभी नहीं मिलने वाला, वो अब आपको कभी रिकवर नहीं होगा. तो जो अमाउंट अब आप हमको अपने कस्टमर से कभी भी रिकवर नहीं होता क्या कहलाता है वो अमाउंट? द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर बाय कस्टमर क्या कहते हैं उसको? यस, वेरी गुड तुषार. क्या कहते हैं उसको? बैड डेब्ट्स. वो हमारा क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स. तो 8,000 में से आउट ऑफ 8,000 कस्टमर 40% अमाउंट तो पे कर देगा. तो 40% ऑफ 8,000 इज 3,200 एंड रेस्ट अमाउंट जो है 60% क्योंकि कस्टमर हमारा इनसॉल्वेंट हो चुका है. तो जो 60% अमाउंट है यानी 4,800 ये कस्टमर से अब कभी रिकवर होने वाला नहीं है. तो दिस 4,800 इज आवर बैड डेब्ट्स. क्या कहलाएगा ये हमारा? बैड डेब्ट्स कहलाएगा. तो कस्टमर से 40% अमाउंट का चेक रिसीव हुआ जिसको हमने सेम डे की सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? 40% अमाउंट का चेक रिसीव हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट, 60% हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, 60% अमाउंट रिकवर नहीं होगा तो बैड डेब्ट्स हो गए. तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट. बैड डेब्ट्स अकाउंट इफेक्ट होगा
और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? जेड अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। बैड डेब्ट्स, ये आपका लॉस है। बैड डेब्ट्स इज अवर लॉस। सो ऑल लॉसेज आर वेरी गुड, ऑल लॉसेज आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये डेबिट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ जेड अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जेड दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। तो डेट इज, डेट कौन सी थी हमारी? 20th अप्रैल। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3200, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4800 टू जेड अकाउंट 8000। कितना सेटलमेंट हो गया? 8000 रुपीज का। यस, क्लियर है ये ट्रांजेक्शन? दिस ट्रांजेक्शन इज क्लियर? नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन, यस, परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, वेरी गुड, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैंक अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? यस, वेरी गुड, इट इज अ परचेज अकाउंट, इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय चेक। तो रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पे करेगा अमाउंट, तो क्रेडिट द गिवर। डेट इज 22nd अप्रैल। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 8000। परचेज अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट 8000। नेक्स्ट, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो ये जो गुड्स अपन ने परचेज करे 8000 के, इसमें से हाफ ऑफ द गुड्स, तो 8000 का हाफ कितना होता है? 4000 होता है। तो कह रहे हैं सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स, यानी 8000 का आधा कितना? 4000 के गुड्स चंद्रकांत को सेल करें एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। क्या कहना चाह रहा है? कि कॉस्ट में 30% प्रॉफिट ऐड कर, तो कॉस्ट कितनी है? 4000 एंड 4000 ऑफ 30% इज 1200। तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है, यानी हमने इसको सेल करा कितने में? 5200 में। कितने में सेल करा? 5200 में हमने इसको क्या करा? सेल करा। तो आप मेरे को बताइए, इट इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल? इट इज अ कैश और क्रेडिट सेल? इट इज अ क्रेडिट सेल। जिसको सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है, सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत, आगे फॉर कैश भी नहीं लिखा। तो जिसको सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। इट इज अ क्रेडिट सेल, क्योंकि जिसको सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, वेरी गुड, एक तो चंद्रकांत अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा।
चंद्रकांत अकाउंट इफेक्ट होगा एंड सेकेंड अकाउंट इफेक्ट इज सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ चंद्रकांत अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ चंद्रकांत अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो चंद्रकांत इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, डेबिट द रिसीवर. व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? यस, इट इज अवर इनकम. सो इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो डेट इज 24th अप्रैल. एंट्री विल बी चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना अमाउंट आएगा, कितनी सेल करिए? 5200. नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम प्राइवेट यूज, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक. प्रोप्राइटर ने अपने प्राइवेट यूज के लिए ऑफिस से 2000 एंड 3000 फ्रॉम बैंक, 3000 बैंक से विड्रॉ करें. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? तो प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, यस, एक तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा. 2000 रुपीज ऑफिस से विड्रॉ करें तो उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, कैश अकाउंट. और 3000 रुपीज बैंक से विड्रॉ करें तो उसके लिए बैंक अकाउंट. सो दिस ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो डेबिट द रिसीवर. कैश इज अवर असेट सो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, हाउ मच? 2000. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो बैंक पे कर रहा है, बैंक इज द गिवर, बैंक पे कर रहा है कैश ओनर को, तो बैंक इज द गिवर. तो रूल इज क्रेडिट द गिवर. तो डेट इज 25th अप्रैल. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितनी होगी टोटल ड्रॉइंग? 5000 टू कैश अकाउंट 2000 एंड टू बैंक अकाउंट 3000. नेक्स्ट, पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक 2000, फिर अगेन ऑन 30th अप्रैल पेड रेंट बाय चेक 1500, फिर अगेन ऑन 30th अप्रैल पेड ट्रेड एक्सपेंसेस. तो सैलरी और रेंट का पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? बाय चेक. सैलरी और रेंट का पेमेंट अपन कैसे कर रहे हैं? बाय चेक. तो सेम डेट को सेम नेचर की ट्रांजेक्शन से दोनों ही हमारे एक्सपेंस हैं, तो इन दोनों की अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय हम इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर देंगे. जैसे लिखा है पेड सैलरी टू मोतीलाल, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था. अगर किसी पर्सन को अगर किसी एक्सपेंस के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होता है, ना कि उस पर्सन का. तो हम मोतीलाल को क्या पे कर रहे हैं? सैलरी. तो डेट्स वाई आपका सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा. हम क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं, इसलिए रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा. और इन दोनों का पेमेंट हमने कैसे करा है? बाय चेक, इसलिए आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा. व्हाट इज द नेचर ऑफ सैलरी एंड रेंट अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सैलरी एंड रेंट अकाउंट? बोथ आर एक्सपेंस, सो बोथ आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. तो रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम. तो ये हमारे एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो बैंक दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर. डेट इज 30th अप्रैल. एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट सैलरी पे करी हमने 2000 की, रेंट हमने पे करा 1500 का, सो टोटल अमाउंट पे करा 3500। नेक्स्ट पे ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीज 500, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे 500 रुपीज के। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट वन इज योर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट एंड सेकेंड वन इज योर कैश अकाउंट। सो दिस ट्रेड एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड कैश इज अवर असेट, सो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। सो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। ये एक्सपेंस तो डेबिट होगा और बिजनेस में से कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेट है 30 अप्रैल, एंट्री हो जाएगी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे करा 500। इज इट क्लियर?